नंबर सिक्स में आपको दिया हुआ है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीस्कोप डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि लोकल टेलीस्कोप डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी कहते हैं उसे, पहले ये टेलीफोन डायरेक्टरी जब PNT हुआ करता था तो हर घरों में होता था, जहाँ जहाँ पर फोन लगे होते जिन घरों में उनमें होता था, उनमें शहर के हेल्पलाइन के नंबर्स, हॉस्टल के नंबर, ज्वेलर्स के नंबर, ये सारे होते थे और वो अल्फाबेटिकली होते थे। इस तरह के क्वेश्चंस हैं और उसमें सरनेम यहाँ पर यूज़ किया गया है कि 1 से 4 लेटर वाले सरनेम के 6 कंज्यूमर्स हैं या 6 लोग हैं, 4 से 7 लेटर्स वाले के 30 कंज्यूमर्स हैं या लोग हैं, 7 से 10 लेटर के सरनेम वाले 40 यूजर्स हैं, 10 से 13 वाले सरनेम लेटर्स वाले सरनेम के 13 to 16 और 16 to 19 लेटर्स वाले सरनेम के 4 यूजर्स हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि मीडियन ऑफ साइज ऑफ द सरनेम क्या होगा, मीन क्या होगा, मॉडल क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीडियन को। मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म CF होता है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट नंबर को एज इट लिख देते हैं, सेकंड नंबर को यहाँ के सेकंड नंबर के साथ प्लस करके लाते हैं तो ये हो गया 36। 40 के साथ प्लस करेंगे 76, 612, 71, 81, 992 और ये 964 यहाँ पर 100। देखिए सबसे जरूरी है कि यहाँ पर जो CF होगा, CF का जो लास्ट टर्म होगा हमारे σFI या जिसको हम N कहते हैं, इनके साथ ये मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि N कितना है, 100 है, तो N अपॉन 2 कितना है, 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। फ्रीक्वेंसी में मीडियन करने के लिए दो वे होते हैं, एक तो ये देखा जाए कि यहाँ पर जो ये 50 है किस में लाई कर रहा है, और एक ये होता है कि यहाँ से देख लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। दो तरीके होते हैं और दोनों एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 50 अगर हम यहाँ देखें तो 50 किसके अंदर, इसमें है, तो 50 के सामने ये नंबर आ गया, यहाँ पर हो गया। ये जो नंबर होगा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा मीडियन क्लास। क्या बनेगा, मीडियन क्लास। इसमें यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, ऐसे भी देखते तभी 40 ही आता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40। सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 7 to 10। ये हो गया। इसमें लोअर टर्म क्या होगा, 7, और इसका एच जो इसकी गैप है, इसका हाइट है, वो क्या जाएगा, 10 - 7 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपको L मिल गया, इस L के ठीक सामने मीडियन क्लास में यहाँ पर ये F होगा और ये CF होता है, तो इसको भी आप नोट कर लें, F इज इक्वल टू 40 एंड CF इज इक्वल टू 36। नाउ वी राइट द फार्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देन L इज इक्वल टू 7 प्लस N अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 माइनस CF इज इक्वल टू 36, F इज इक्वल टू 40 एंड H इज इक्वल टू 3। देन आपने लिखा 7, 10 - 6, 4 एंड 4 - 3, 14 एंड दिस इज 40 इंटू 3।
आप यहाँ पर लिख दें 7 + 2 7 या 14 एंड मल्टीपल बाई 3 और इसको डिवाइड कर तो 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 + 7 3 या 21/20। देन आप 7 + 21 को 20 से डिवाइड करें तो 21 + 20 आ गया 1 point या 0 कम हो रहा है तो 0 लेकर के 0 एंड 5 जा तो यहाँ पर जाएगा 1.05। आप इसको प्लस कर दें तो जाएगा 8.05 इज द मीडियन ऑफ सरनेम, मीडियन ऑफ लेटर्स ऑफ द सरनेम, ये हो जाएगा 8.05। इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मीन फाइंड करने का। मीन फाइंड करेंगे उसके बाद फिर मॉडल फाइंड करेंगे। इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट आपने फाइंड कर लिया मीडियन, अब आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में मीन। मीन फाइंड करने के लिए आपके पास सीआई क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप सबसे पहले एक्स आई इट मींस क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका क्या है कि इस नंबर को लोअर टर्म और अपर टर्म को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें। 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 5 डिवाइड बाई 2 विल गिव 2.5। 11 और डिवाइड बाई 2 विल गिव 5.5। गैप हो रहा है 3 का, इसलिए इसमें 3 प्लस करते हुए कंटिन्यूट कर लीजिए। 5 3 8.5 8 3 11.5 11 3 14.5 14 + 3 17.5। इस तरह से आप क्लास मार्क डिस्कार्ड एक्स आई आप फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर्स का। दो टर्म निकालो, माइनस करो, गैप देखो और नेक्स्ट में आप उसी गैप को प्लस करते हुए चले जाओ। आपको बार बार डिवाइड प्लस करना और डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पर आपने फाइंड करना है यू आई, फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। अब यहाँ पर एक इसको हम लेट करें, देखिए 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, तो कोई बीच का नंबर नहीं मिल रहा है। आपने ए जो है लेट कर दिया, लेट ए एजप्शन मेथड से कर रहे हैं तो 8.5 आपने एज्यूम कर लिया। 8.5 क्या है, ए है, ठीक। एक्स आई क्या है, यही नंबर होगा। और यहाँ पर एच कितना है, एच हम लिख देते हैं एच इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। कहीं पर किसी भी गैप में देखो यहाँ पर 3 आएगा तो आप यहाँ पर एच क्या लिख दोगे, 3। क्लियर हो गया, कहीं पर भी माइनस करके देख लें आपका एच इतना ही होगा। फिर इसके बाद एक्स आई माइनस और एच वाला 3, अब देखिए कितना है 2.5, 8 में से 2 गया 6 हो गया, 6 को डिवाइड करें 3 से तो कितना हो गया, ये माइनस में नंबर आएगा ना, क्योंकि लोअर नंबर से आप हायर नंबर को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 8 - 2 = 6 और डिवाइड बाय 3 विल गिव 2। 8 - 5 = 3 विल गिव 1 एंड 0, दिस इज 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका आएगा FIUI क्या है कि आप यहाँ पर इसको प्लस करें, 6 2 = 12, 31 + 30 एंड 40 0 = 0, 16 1 = 16, 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12। प्लस कर लीजिए, 12 8 20 20 10 30 36 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का नंबर यहाँ पर होगा 2 and 3 and 1 4 - 42, ठीक है, ये प्लस का नंबर है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 42 भाई ऊपर के नंबर माइनस 42 हो गया, 12 8 20 और 20 और 16 36 हो जाएगा। आपने जो यहाँ पर माइनस किया वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पर कुल आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -6। इसको आप लिख दें -6, ठीक, -6 हो गया। अब यहाँ पर आपने ये भी दिखा दिया सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -6
एंड सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, ए आपके पास गिवन है, तो आपके पास मीन का फॉर्मूला आना है. मीन इज इक्वल टू, इस बार कहते हैं यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ये हमारे पास कितना 8.5 है. सिग्मा एफ आई यू आई कितना -6, दिस इज 103. 8.5 एंड -6 थ्री जा 18 अपॉन 100, 8.5 माइनस 0.18 होगा. 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 से 0.18 माइनस कर ले 2 एंड 4 माइनस 1 3 8.32. इसका जो मीन होगा, मीन कितना जाएगा 8.32 होगा. ठीक है, 8.32 के बाद आपने क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है मोड. बट यहाँ स्पेस नहीं है, इसे एक बार कॉपी कर लें, फिर इसके बाद हम मोड बताएंगे. स्टूडेंट, आपने मीडियन फाइंड कर लिया, आपने मीन फाइंड किया, अब आपको फाइंड करना है मॉडल साइज, मॉडल साइज ऑफ द सरनेम. यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए बहुत इजी सा वर्क है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ये. यहाँ पर आप देखें कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस कौन सी है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, 40 है. ठीक, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो गई 40. आपने क्या करना है, इसके सामने ये जो नंबर होगा वो एल हो जाएगा, एल 7 हो गया, ये हो गया मॉडल क्लास. इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, तो ये नंबर F1 होता है, ये नंबर F0 होता है, ये F2 हो जाता है, इनको भी हम क्रमशः मेंशन कर लें. F0 इक्वल टू 30, F1 इज इक्वल टू 40 एंड F2 इज इक्वल टू कितना हो गया 60. ठीक, अब क्या करिएगा, आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ तक कि H भी आपको मिल गया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. अब क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल क्लास के लिए क्या लिखा जाएगा, सिग्मा सॉरी मॉड, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ आई माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच. यही होता है फार्मूला. इस फार्मूले पर आप देखें सेवन लगा दिए, F नौ, F1 कितना है, F जो 1 है, F1 दिस इज 40, F नॉट 30, 2F1, 2F1 मीन्स 40, माइनस F नॉट 30 एंड माइनस F2 16 इंटू एच 3. 7 प्लस 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, दिस इज 80 एंड 46 इंटू 3. सो 7 प्लस 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 34 इंटू 3. देन आप यहाँ पर 7 प्लस 30 अपॉन 34, ठीक, 7 प्लस 30 अपॉन 34. आपको क्या करना होगा, 30 को 34 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 34 विल गिव यहाँ पर 7 प्लस 0.882. बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पर, नंबर्स हमारे पास पॉइंट में जाएगा 0.882 और बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 7 प्लस 0.88. बस आपने इसको प्लस कर लिया और ये हो गया 7.88. इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा. मैंने कैलकुलेटर की हेल्प ली, आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अप्लाई नहीं करने को मिलेगा, इसलिए कैलकुलेटर को ना आप खुद करके देखें इस तरह के क्वेश्चंस. यहाँ पर समय को सेव करने के लिए आपका यह डिवाइड इस तरह से कर दिया गया. उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा. अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स टू वॉच.